मकर संक्रांति का दिन है, हम सोचते आ रहे थे वो को सर्दी में गर्मी का एहसास संदीप सिंह जी करवा सकते हैं विपक्ष को। मुन्ना जी आप देख रहे हैं कि ये जो अपना परिवार है, ये परिवार कितना बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ नजर घुमा के देख सकते हैं, सारे के सारे देखिए ना कितना 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 जोश है लोगों के अंदर। ये जोश दिखा रहा है कि हमारी जनता, हमारा परिवार आजादी चाहता है। इस बार महेंद्रगढ़ आजाद हो जाएगा मुन्ना जी, 2024 महेंद्रगढ़ के नाम है, महेंद्रगढ़ जीतेगा, हम सब जीतेंगे। तो पिछली बार तो आपको कहते हैं चाणक्य की नीति नहीं आती, राजनीति में एक चाणक्य की नीति होनी चाहिए और साम दाम दंड भेना आना चाहिए, तो 5 साल में कुछ आपने सीखा है? देखिए मुन्ना जी आप देख रहे हैं हमारे परिवार ने जो सीखा है वो हमारा परिवार एक ही बात कर रहा है, पूरा महेंद्रगढ़ परिवार, कि हमारी जो इस बारी वोट डलेंगी वो चक्रवृद्धि ब्याज के समय डलेंगी। आप देख रहे हैं कि पिछली बारी 33,000 प्लस वोट आई थी, लगभग 34,000 के आसपास, आज हमारा परिवार बोल रहा है कि ये वोट हम 3 गुना करके डालेंगे, यानी कि आपकी 1 लाख से प्लस वोट जो आएंगी, ये जन जन की आवाज है, ये जन जन की। इस बारी जीत होगी ईमानदारी की, इस बारी जीत ऐसी व्यक्ति की होगी जिसको नॉलेज होगी। हम बार बार मुन्ना जी एक ही बात कहते हैं, ही हू नोज द सिस्टम कैन चेंज द सिस्टम, सिस्टम को जानने वाले सिस्टम बदल सकता है। हमारा परिवार समाजवाद सिस्टम नहीं चाहता कि पहले मैं फिर उसका बेटा फिर पोता। हम ये कहते हैं कि 2 बार इलेक्शन जीतने के बाद हम अपने परिवार के जो भी एफिशिएंट युवा होगा, जो भी लायक युवा होगा, उसको मौका देंगे ताकि अगला एमएलए वो बन सके। सारे विरोधी कहीं ना कहीं आपको हटाने के चक्कर में लगे हुए हैं, कैसे नैया पार लगेगी? तो जनता मन बना चुकी है और जब ये क्रांति आती है, जब जन आंदोलन बनता है, तो जन आंदोलन रुकता नहीं है, वो जन आंदोलन ऐसा जन आंदोलन होता है जो कि अपने लक्ष्य पे जाके रुकेगा। तो अटकले को बाजार ये गर्म है कि कहीं ना कहीं आप लोकसभा की भी तैयारी कर सकते हैं या लोकसभा से टिकट मिल सकती है, कोई पार्टी आपको देने वाली है? देखिए मुन्ना जी ऐसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऑफर भी आया था लेकिन हमने बिल्कुल मना कर दिया। हमें अपनी जनता के साथ चलना है, हमें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है निर्दलीय तौर पे। तो विधानसभा कंफर्म, आप विधानसभा लड़ेंगे लेकिन निर्दलीय लड़ेंगे, ये भी श्योर है? ये भी कंफर्म है जी बिल्कुल। अगर बीजेपी टिकट दे दे तो फिर क्या? नहीं कंफर्म है हमारा निर्दलीय। क्या इस जो एक गढ़ है इसको भेद पाएंगे अब की बार? क्या लगता है कहीं ना कहीं पूरा इरादा है आपके परिवार का? 100% जो हमारा परिवार बैठा है, आप अपने परिवार से पूछ लीजिए कि इस बारी जी कितनी बड़ी जीत होने जा रही है आपकी? 1 लाख पार। हमारा नेता कैसा हो? संदीप सिंह जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? संदीप जैसा हो। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। इन लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है और महेंद्रगढ़ की जनता ने ये मन बना लिया है कि अब की बार इनसे पाई पाई का हिसाब लेंगे, पाई पाई का हिसाब लेंगे। कुछ भी हो, सच्चाई ईमानदारी साहब मारो, साथ सर साथ सर साथ फिर आऊंगा। पहले कांग्रेस में थे आप? पहले हाँ बस लटक रहा था दोनों के बीच में, कांग्रेस का नहीं जाता बीजेपी का सिर, बीजेपी का जाता कांग्रेस का सिर। एक रीजन है ईमानदारी, वफादारी, कर्मठता और अपने कर्तव्यों के प्रति परायणता, बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा, ये सबसे बड़ा एक ठोस रीजन है। बाबा कई बार वोट डाल लिया आपने और कईयों का जिता दिया, कईयों का हराया है, अब की बार किन मुद्दों का साथ है कि किसके साथ खड़े? सच्चाई के साथ। बाबा कब इधर से आगे आगे बैठे हो आप? बाबा क्यों बैठो? बाबू जी मैं तो नहीं बैठो हूँ, ये घना है पाल पाल के छोड़ जाए भी मैं खुद साहब ने पाल दिया। अच्छा गाय था गाय गाय कहने तूड़ो आ गान कार जोर दाना गए ना दाना अब लिया वही लिया गया तूड़ो अब देगा। आपकी जो वोट जाएगी इस बारी संदीप सिंह को जाएगी क्या? किस किस की जाएगी मैं देखना चाहता हूँ, कौन कौन देना चाहता है? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे, मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हूँ जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य के, और फिर वही जाना पहचाना चेहरा
संदीप सिंह एसडीएम लावण गांव जिला महेंद्रगढ़ में, और मकर संक्रांति का दिन है और सर्दी में गर्मी का एहसास ये संदीप एसडीएम ही करवा सकते हैं। और ये तस्वीरें देख लीजिए, पूरा लावण गांव यहां मौजूद है। तस्वीरें देख लीजिए, फूल मालाओं से, पगड़ियों से और तिरंगे हाथों में लेके जिस तरीके से स्वागत किया गया है लावण गांव में संदीप सिंह एसडीएम का, और लगातार लोग भारत माता की जय के साथ यहाँ सभा सदन तक लेके आए हैं। तो संदीप सिंह एसडीएम ग्रम जोशी के साथ स्वागत किया गया है, और यहाँ पे खुर्शियों लोग खेत में प्रोग्राम है, मकर संक्रांति का दिन है, और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं क्या हमारे साथ। तो आज मकर संक्रांति का दिन था और यहाँ छोटा सा स्नेह मिलन का प्रोग्राम गांव में किया गया है, और पीछे महिलाओं की संख्या भी दिखा दीजिए। हिमांशु लम्बा थोड़ा सा गांव की तरफ से पगड़ी पर आके स्वागत किया गया है, और ये महिलाओं की संख्या देख लीजिए। यहाँ पे लगातार यहाँ पे महिलाएं भी हैं, खेत में खुले में प्रोग्राम है और लगातार महिलाएं लोग लगातार आते जा रहे हैं। और ये वी का निशान संदीप जी उगली कर आगे दिखा के कर रहे हैं, तो ये विक्ट्री यानी कि जीत का है। तो हमारे साथ तस्वीरें देख पा रहे हैं कहीं न कहीं, और आकर्षक मुद्रा में हैं संदीप सिंह एसडीएम। सर क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेके? छोटा सा एक आयोजन किया गया है, मकर संक्रांति का दिन है, हम सोचते आ रहे थे वो को सर्दी में गर्मी का एहसास संदीप सिंह जी करवा सकते हैं विपक्ष को, तो आज गर्मी का एहसास फिर दोबारा से एक झटका दे रहे हो। मुन्ना जी आप देख रहे हैं कि ये जो अपना परिवार है, ये परिवार कितना बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ नज़र घुमा के देख सकते हैं। एक छोटा सा टी प्रोग्राम, और छोटा टी प्रोग्राम में कितने बड़े प्रोग्राम में चेंज हो गया है। मैं सभी को, पूरे भारतवासियों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हमारे पूरे एरिया में संपन्नता और खुशी की लहर लगातार चलती रहे। आप देख रहे हैं मुन्ना जी, एक जो 1947 में जो आज़ादी का समय था, उस टाइम माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब घर से बाहर निकल आए थे। आप देख रहे हैं छोटे से टी प्रोग्राम में ही, आप उधर देखिए, उधर घुमा के देखिए कैमरा, माताएं बहनें आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, सारे के सारे देखिए ना, कितना 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 जोश है लोगों के अंदर। ये जोश दिखा रहा है कि हमारी जनता, हमारा परिवार आज़ादी चाहता है। 1947 में जो आज़ादी थी, आप देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, ये सारे के सारे वही तो हैं, वही चेहरे में वही चमक, वही सब कुछ, वैसे तो लग रहा है सारा का सारा। इस बार ही महेंद्रगढ़ आज़ाद हो जाएगा मुन्ना जी, 2024 महेंद्रगढ़ के नाम है, महेंद्रगढ़ जीतेगा, हम सब जीतेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये जयकारे लगाए जा रहे लगातार, और एक बात और हम मेरे दिमाग में हमेशा अक्सर चलती रहती है, चुनाव जब हारे उस समय आपने कहा हम हारे नहीं, हम तो जीते हैं, और चुनाव हारने के बाद सब मायूस हो जाते हैं, लेकिन उस समय हम आपके दरबार पे, आपके वहाँ निवास स्थान पे पहुँचे, तो वहाँ मुझे अलग नज़ारा देखने को मिला। वहाँ भगड़ा बज रहा है, ढोलक बज रहा है, और लोग मिठाइयाँ खिला रहे हैं। तो हम अचानक पहुँचे, मुझे ये क्या हो रहा है, आप तो हारे हैं? तो लोगों ने कहा हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं, ये साम दाम दंड भेद से हरा दिया। तो पिछली बार तो आपको कहते हैं चाणक्य नीति नहीं आती, राजनीति में एक चाणक्य नीति होनी चाहिए और साम दाम दंड भेना आना चाहिए, तो 5 साल में कुछ आपने सीखा है, कुछ थोड़ा बहुत? देखिए मुन्ना जी, आप देख रहे हैं हमारे परिवार ने जो सीखा है, वो हमारा परिवार एक ही बात कह रहा है, पूरा महेंद्रगढ़ परिवार, कि हमारी जो इस बारी वोट डलेंगी वो चक्रवृद्धि ब्याज के समय डलेंगी, यानी कि एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों जोड़ के वोट डालेगा। आप देख रहे हैं कि पिछली बारी 33,000 प्लस वोट आई थी, लगभग 34,000 के आसपास, आज हमारा परिवार बोल रहा है कि ये वोट हम 3 गुना करके डालेंगे, यानी कि आपकी 1 लाख से प्लस वोट जो आएंगी, ये जन जन की आवाज़ है, ये जन जन की, सबके अंदर यही भावना है। इस बारी जीत होगी सच्चाई की, इस बारी जीत होगी ईमानदारी की, इस बारी जीत ऐसे व्यक्ति की होगी जिसको नॉलेज होगी। हम बार बार मुन्ना जी एक ही बात कहते हैं, ही हू नोज द सिस्टम कैन चेंज द सिस्टम, सिस्टम को जानने वाले सिस्टम बदल सकता है। नहीं तो आप देखिए लगातार 45 साल से अपने महेंद्र में कुछ भी तो नहीं हो पाया, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। हमने इतनी बारी बताया अपने परिवार को, MLA कई बोलते हैं कि हम विपक्ष के, हमारे को कोई पैसा नहीं मिलता, बार बार CM साहब ने अनाउंस किया कि भाई 25 करोड़ रुपया हर साल में डेवलपमेंट का दूंगा, लेकिन वो जब मिलेगा जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भेजेंगे। आज तक एक सिंगल प्रोजेक्ट भी 45 साल में नहीं बन पाया, सारे के सारे पैसे डंप हो जाते हैं, हर बारी फाइनेंशियल पैसे वापस चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। अब 5 करोड़ डिस्क्रिप्शन ग्रांट का मिलता है, वो पैसे यूज़ नहीं होता। अगर एक प्रॉपर MLA
अगर थोड़ा सा भी नॉलेज वाला एमएलए हो तो 2-3 प्रोजेक्ट सेंटर गवर्नमेंट में भेजे, 2-3 प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट में भेजे, कितना डेवलपमेंट हो सकता है 100 करोड़ में। अगर 100 करोड़ साल के मिल जाएं तो आप सोच के देखिए कि हर गांव में 1 करोड़ रुपये लग जाए, कितना फ़ायदा हो जाता हमारे, अपना महेंद्रगढ़ सोने की चिड़िया बन जाता। केवल और केवल नॉलेज की कमी की वजह से, काम करने की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से। देखिए मुन्ना जी, उनका तो सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मैं किसी भी तरह से अपने बच्चों को हम दोनों आगे करते रहें। हमारा परिवार जो है राजाशाही सिस्टम नहीं चाहता, हमारा परिवार सामंतवाद सिस्टम नहीं चाहता कि पहले मैं फिर उसका बेटा फिर पोता। हम ये कहते हैं कि 2 बार इलेक्शन जीतने के बाद हम अपने परिवार के जो भी एफिशिएंट युवा होगा, जो भी लायक युवा होगा, उसको मौका देंगे ताकि अगला एमएलए वो बन सके। मैं मुलायम सिंह यादव जी का हर बार एग्जांपल देता हूँ, चीफ मिनिस्टर जो अपने यूपी के रहे थे, वो भी एक एक जहाँ कुश्ती कर रहे थे तो वहीं के जो एमएलए थे वो आके कुश्ती मैच वैसे ही देख रहे थे। उन्होंने देखा बच्चा बहुत अच्छा है, उनका मैं बहुत बार एमएलए बन गया। उन्होंने मुलायम सिंह जी को बुलाया, उनका बेटे तुम एमएलए बनोगे? मुलायम सिंह जी बड़े सीधे साधे भोले वाले रेसलर थे, उनका जी एमएलए, कहते हाँ तुम्हें एमएलए बनाएंगे। और देखिए आप, उन्होंने उनको एमएलए बना दिया। तो यही होता है, देखिए अगर आप सिर्फ सीमित रहेंगे अपने परिवार तक की तो ये जब ऐसे नहीं हो पाएगा। पूरे महेंद्रगढ़ क्षेत्र को अपना परिवार समझना पड़ेगा। जब नहीं ऐसे कैसे सर, जिनका परिवार वो परिवार के बारे में तो सोचेंगे। अब आपका परिवार तो पूरा महेंद्रगढ़ जिला बना रखा है आपने, तो आपको तो सोच ले रहे आप तो, लेकिन वो लोग तो अपने बेटे के बारे में सोचेंगे, अपने पोते के बारे में भी सोचेंगे, तो आपके बेटे पोते तो सारे ये खड़े ये हैं, सारे हमारे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब देखिए मैं अपने परिवार को एक ही बात कहता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए इतना जोर लगा रखा है, तो आप भी तो अपने बच्चों के लिए पूरा जोर लगाइए, पूरी मेहनत करिए, क्योंकि ये वाला इलेक्शन आपका इलेक्शन डिसाइडिंग इलेक्शन होगा। कास्टिज्म बहुत हैवी है पूरे भारत में सर, कास्टिज्म इसके बगैर जहां पार्टियां भी कास्टिज्म देखते हैं टिकट देने से पहले, तो कैसे भेद पाओगे इस कास्टिज्म? देखिए मुन्ना जी, आप देखिए कोई जाट है, कोई हीर है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई दलित वर्ग में आता है, सब अपने अपने राज अपना अपना झंडा उठाए फिर। देखिए मुन्ना जी, आप देख रहे हैं पहली बारी हमने 36 बिरादरी को एक छत के नीचे लेके आए। हम पाली में 27 अगस्त को जो प्रोग्राम हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में आज तक 36 बिरादरी एक छत के नीचे नहीं आई थी, और 36 बिरादरी की 36 पगड़ियाँ वो हमने आपस में एक दूसरे बदल के पहनी, यानी कि ये सब के सब हमारे भाईचारे की पगड़ियाँ थी जो हमने एक दूसरे बदल के पहनी। और 36 स्कीम्स, हम जो 36 स्कीम्स लेके आ रहे हैं उनमें देखिए मुन्ना जी कितना डेवलपमेंट है, टूरिज्म का कितना फ़ायदा हो जाएगा, और साथ साथ हमारे जो युवाओं को, जो युवा हमारे बेरोजगार के घूम रहे हैं उन सबको रोजगार मिल जाएगा यहाँ पे, कितना कुछ हो जाएगा। अब कई बार ये कहते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा, मैं बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। आप देखिए हमने शहीद राव तुलाराम जी के बारे में हमने कहा 25 एकड़ का पार्क बनाएंगे हम। अब जो 25 एकड़ का पार्क जो हमने घोषणा की तो बड़ा ईजी है। अब देखिए ना, 1 रुपये लीज पे तो आपकी लैंड मिलती है, गवर्नमेंट लैंड, पंचायत लैंड हो चाहे म्युनिसिपल कमेटी की लैंड हो, उसके बाद फ्री हो गए तो 25 एकड़, उसके बाद 10 करोड़ में शानदार से शानदार पार्क बन सकता है। और जबकि मिलते हैं कितने, आप देखिए 100 करोड़ रुपया, तो बहुत कुछ कर सकता है कोई भी सिंपल एमएलए भी हो तो। और हमारी जनता तो इतनी बड़ी पावर देने जा रही है कि आपको एक बहुत बड़ी पोस्ट मिलने वाली है आगे जाकर। सर रास्ते इतने आसान नहीं है, कठिन डगर है, रास्ता लंबा है, सारे विरोधी कहीं ना कहीं आपको हटाने के चक्कर में लगे हुए हैं, कैसे नैया पार लगेगी? देखिए मुन्ना जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप सीधे साधे। हाँ जी बिल्कुल, नहीं यही मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा परिवार ने जो ठान लिया है, हमारे परिवार ने, पिछली बार परिवार भ्रमित हो गया था, लास्ट में भी आपकी जीत थी, जो सर्वे रिपोर्ट दिखा रही थी 2 दिन पहले 10,000 की जीत दिखा रही थी आपकी, 2 दिन में ऐसा क्या हुआ? 2 दिन में उन्होंने पब्लिक को भ्रमित कर दिया, जनता को भ्रमित कर दिया 2 दिन में, ऐसे में 5,000 आएंगे, 2,000 आएंगे, 3,000 आएंगे, अब ये क्या बोल रहे हैं? अब कहते हैं एसडीएम 15,000 आएंगे, जब इन्होंने 5,000 बोला था तो हमारे 34,000 आए थे, अब ये 15,000 बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि 1,00,000 प्लस है सीधा का सीधा। तो जनता मन बना चुकी है, और जब ये क्रांति आती है, जब जन आंदोलन बनता है, तो जन आंदोलन रुकता नहीं है, वो जन आंदोलन ऐसा जन आंदोलन होता है जो कि अपने लक्ष्य पे जाके रुकेगा। अभी विपक्ष में एक चर्चा और चली हुई है सर, अगर संदीप जायसवाल जी भीड़ साथ लेके चलते हैं तो ये साथ की भीड़ है क्या? कुछ दिखाने से कैमरे में दिखा दीजिए, इनसे पूछिए आप यही लोकल ही हैं या कि बाहर के हैं? सभी जो बैठे हैं यहाँ पे गांव के ही है ना सारे के सारे, सारे लोग कह रहे हैं तो सारे। तो यहाँ अभी चुनाव आने वाले हैं, तो अटकले को बाजार ये गर्म है कि कहीं ना कहीं आप लोकसभा की भी तैयारी कर सकते हैं, या लोकसभा से टिकट मिल सकती है, कोई पार्टी आपको देने वाली है, एक्स वाई जेड हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे लेकिन संभावनाएं बन सकती। देखिए मुन्ना जी, ऐसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऑफर भी आया था लेकिन हमने बिल्कुल मना कर दिया। हमें अपनी जनता के साथ चलना है, हमें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है निर्दलीय तौर पे, क्योंकि हंग असेंबली आएगी ये क्लियर है, क्योंकि किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं आने वाला है।
और हंग असेंबली में जो पार्टी हमारी जनता को सत्ता देगी हम उसको सपोर्ट करेंगे बाहर से। हाँ जी, तो विधानसभा कन्फर्म, आपने विधानसभा लड़ेंगे लेकिन निर्दलीय लड़ेंगे ये भी श्योर है? ये भी कन्फर्म है जी, बिल्कुल। अगर बीजेपी टिकट दे दे तो फिर क्या? नहीं, कन्फर्म है हमारा निर्दलीय। सर, जो ये जनता आती है ये कौन सी क्या टोनिक पिलाते हो आप? थोड़ा सा पता चले, हरियाणा में चुनाव है तो लोग नेता भी देख लें, कैसे आते हैं आपके लिए, ये कौन सा प्यार है, ये प्यार बता दीजिए थोड़ा। देखिए मुन्ना जी, आप देख रहे हैं जो हमने 24 साल तपस्या की है, आपको पता है कि 24 साल लगातार हम अपने परिवार की सेवा करते आए हैं लगातार। जब SDM दफ्तर में जब मैं बैठना शुरू किया था, एक व्यक्ति आना शुरू हुआ था और उसके बाद डेली 500-500 लोगों को डील करते थे हम। मैं अपनी पूरी ऑफिसर्स की टीम को गांव-गांव ले गया, वार्ड वाइज ले गया और वहीं पे सबके काम हुए। इतना अच्छा लगता था जब माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देती थी, बुजुर्ग लोग मुझे आशीर्वाद देते थे, तो धन्य हो जाता है जीवन पूरा का पूरा। रोज सुबह शाम को थके जाते हो और सुबह इतनी ऊर्जा के साथ दोबारा आप एकदम चेहरा खिला खिला मिलता है, तो ये ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? देखिए ये हमारे पूरे परिवार से मिल रही है। हमारा परिवार प्रसन्न रहता है, हमारा परिवार हमारे संतुष्ट रहता है, तो उसमें ही सब कुछ संतुष्टि मिलती है मुझे। देखिए मुन्ना जी, आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, या तो आप पैसा कमा सकते हैं या रिस्पेक्ट कमा सकते हैं, तो रिस्पेक्ट कमानी बड़ी अच्छी चीज़ लगती है, पैसा तो कोई भी कमा सकता है। क्या इस जो एक गढ़ है इसको भेद पाएंगे अब की बार? क्या लगता है कहीं ना कहीं पूरा इरादा है आपके परिवार का? 100% जो हमारा परिवार बैठा है, आप हमें परिवार से पूछ लीजिए कि इस बारी जी कितनी बड़ी जीत होने जा रही है आपकी? 1,00,000 पार, 1,00,000 प्लस। परिवार से पूछ लीजिए। चलो 1,00,000 प्लस बता रहे हैं। मैं हमारे परिवार से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आज मकर संक्रांति का दिन है, बड़ा शुभ अवसर है, क्यों ना हम सूर्य देवता की शपथ लेके एक कसम खाएं सब इकट्ठे मिलके कि इस बारी हम सच्चाई को वोट देंगे, इस बारी हम ईमानदारी को वोट देंगे और इस बारी हम संदीप सिंह को वोट देंगे। देखते हैं कितने लोग हाथ खड़ा करते हैं, ये देखना चाहता हूं। नेता कैसा हो? संदीप सिंह जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? संदीप एसडीएम जैसा हो। सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। हर गांव सर आगे बढ़ो, सर हर गांव में जाते हैं, पगड़ियां ये फूल मालाएं इतना भार चढ़ा दिया है महेंद्रगढ़ के लोगों को, तो 5 साल में ये भार उतर जाएगा अगर बन जाते हैं तो आप? अब देखिए लोगों को हमारी एफिशिएंसी का पता है मुन्ना जी, कि हम कितने एफिशिएंट और कितने कैपेबल हैं काम करने में, क्योंकि बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ, ऑफिसर रैंक का व्यक्ति ही काम कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही चलाते हैं एक तरह से इनडायरेक्टली। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो काम किया है लगातार, देखिए मुन्ना जी मैं बताना चाहूँगा, मेरे पूरे परिवार को बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा कृष्ण जी के नाम का पार्क आपके संदीप सिंह ने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया, सबसे बड़ा पार्क 4 एकड़ का, आज तक पूरे कृष्ण जी का इतना बड़ा पार्क कहीं नहीं बना हुआ। महाराणा लक्ष्मी बाई जी के नाम से ओपन जिम, सबसे पहला हरियाणा का ओपन जिम महिलाओं के नाम हमने समर्पित किया, वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। शहीद स्मारक सबसे बड़ा और सबसे सुंदर, वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। हमारे जनता को पता है कि अगर इतने मतलब एक SDM रह के इतना कुछ कर रहे हैं, एक मंत्री या उससे बड़ी पोस्ट मिलकर तो बहुत कुछ होने वाला है। और जो 36 स्कीम्स हमने लॉन्च किए हैं, हमारे परिवार को पता है कि वो 36 स्कीम्स हम जैसे ही बनेंगे, हमने अनाउंस किया हुआ है, विद इन ए मंथ उनकी स्टार्टिंग हो जाएगी, ताकि हमारा जो युवा है, हमारी बेटियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो रोजगार लग जाए। जी संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय लिया। थैंक यू। तो हमारे साथ यहाँ कुछ गांव के लोग ही बने, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनकी क्या मनसा है। सबसे पहले आपसे जानेंगे, फौजी हैं आप, हाँ जी, संदीप सिंह को क्यों देंगे वोट, वजह क्या है क्यों? संदीप सिंह जी बहुत ही कर्मठ और ईमानदार और लोगों का भला चाहने वाला और एक सफल कुछ यानी कि प्रशासनिक अधिकारी रहे हुए हैं, इसलिए ये हम नहीं, या पूरा अब की बार महेंद्र ने मन बना लिया है कि अब की बार संदीप सिंह जी का ही साथ देंगे। अब की बार संदीप सिंह जी का ही साथ देंगे। तो संदीप सिंह का साथ पीछे भी साथ तो देते आए हैं, तो वो लोगों उनको भी उनको लोगों की तो वोट चाहिए, उनको फिर क्या रहेगा 40 साल उनके साथ रहे हैं। ओणी जैक पिसे पीसणु बे माता रोटी पोवे, पवन देवता झाड़ू काढ़यो काल ढीकली ढोवे। देखो अब इन लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है और महेंद्रगढ़ की जनता ने ये मन बना लिया है कि अब की बार इनसे पाई पाई का हिसाब लेंगे, पाई पाई का हिसाब लेंगे।
अब की बार पाई पाई का हिसाब लेंगे। क्यों पुजारी जी क्या कहेंगे, संदीप जी के साथ हैं क्यों, वजह क्या क्यों? बस जी साहब हमारा मन सर बहुत बढ़िया काम, खाली मन की वजह से नहीं है, मन तो मेरा भी आप पे है पुजारी जी, मैं आपको सम्मान करता हूँ। कोई रीजन बता दीजिए क्यों साथ हैं संदीप जी के साथ, वजह क्या है, मुद्दा क्या है, किन मुद्दों के साथ लेके संदीप के साथ जुड़े हुए आप? देखो ऐसा है जी, सच्चाई सुनना चाहो तो पिछली जो 10 योजना थी, 2 योजना थी, उनमें हम दाप लिया कर दी, ठीक है, और इनका साथ सर साथ रहांगा। दाप लिया दिल थी, कौन सी चीज से दाप लिया? पिछला से दाप लिया, पिछले से दाप, बिल्कुल दाप लिया साहब, बिल्कुल साहब का साथ सर साहब का साथ रहांगा। तो कोई रीजन तो रहा होगा दापने का आपका? किन मुद्दों के लेके आप हार गए हो आधा? बस बस वही बात सर जी, आप उन चीजों को छोड़ो, बस यह है कि मारी तो भ्रष्टाचार कुछ भी हो, सच्चाई ईमानदारी साहब मारो साथ सर साथ सर साथ थे रहांगा। तो पहले कांग्रेस में थे आप? पहले हाँ, बस लटक रहा था दोनों के बीच में, कांग्रेस का नहीं जाता बीजेपी का, सिर्फ बीजेपी का जाता कांग्रेस का जी। तो आज ज्वाइन कर रहे हो संदीप जी? नहीं हम तो पिछली बार ही कर लिया था साहब, अब की बार तो हमने प्रोग्राम कर लिया था जी। क्या कहेंगे बस साहब, ये एक रीजन बता दिए संदीप जी के साथ क्यों क्यों? एक रीजन है ईमानदारी वफादारी कर्मठता और अपने कर्तव्यों के प्रति परायणता, बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा, ये सबसे बड़ा एक ठोस रीजन है, एक लाइन है बस। अब की बार संदीप साहब 1,00,000 पार। तो हमारे साथ एक गांव के लोग जुड़े हुए, इनसे जान लेते हैं। संदीप जी की अच्छाई तो बता दी, खराई खराई भी बता दू कुछ थोड़ा बहुत, लोग कहेंगे ये तो फिर है नहीं जी, हम कैसे बता दे, है नहीं। तो सारे नेता एक जैसे होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं वो आते हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं, दावे करते हैं, फिर वो कहीं नहीं, कुर्सी मिलने के बाद भूल जाते हैं। हमें अपने भीतर अंतरात्मा से हमें विश्वास है, और वो हमारे विश्वास ये भी है कि साहब हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। वादे टूट भी जाते हैं, नेताओं के वादे हवा हवाई होते हैं। बाबा जयराम दास को वादो टूटे तो साहब को वादो टूटे, और बोलो। अब तो बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, बाबा जयराम दास की बातचीत आ गई। क्या रीजन है क्यों? ईमानदार साहब, वादा वादा तो टूट जाता है, बेईमानी और सच्चाई की साहब, सच्चाई से, और वे था तक 2-3 जो नाम तो नहीं लेना चाहूँ, वे बहुत महा बेईमानदार, यण में ईमानदारी और सच्चाई दिखे सर, इसलिए हम साहब के साथ सा, और ईमानदारी की जीत होगी और सच्चाई की जीत होगी। कुर्सी मिलने से पहले सभी ईमानदारी होते हैं भाई। नहीं जी ये तो वाकई में ईमानदार है। हाँ बताओ, आप बताओ। कुर्सी तो साहब को ने थी ना। वा तो छोड़ी से, वा तो छोड़ के हमारे खातर आयो है ये तो। बिल्कुल, बिल्कुल। इनके तो जींस में सारी चीजें हैं, जींस से तो पॉलिटिशियन भी थे, सब कुछ, मैं मिनिस्टर थे इनके पिताजी, इनके दादाजी डीसी थे, खुद ये प्रशासनिक अधिकारी रहे, तो काम को एग्जीक्यूट कैसे करना है ग्राउंड पे वो जानते हैं, तो वो सारा काम करेंगे साहब, और हमने तो काम चाहिए। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि डेमोक्रेसी में मतदाता भाई, डेमोक्रेटिक प्रणाली में मतदाता सरकार बनाता है, लेकिन वह तो मैलाटारियां मरी, अरे वो गरीब जनता बेचारी कोई लैंड पलट रही है, दरिद्र अवस्था में रह रही है, कहाँ का लोन से, कोई को लोन से ज्यादा लोन से फांसी खा के मर रहे हो है, कोई बीमारी से मर रहे हो है। तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि साहब उस बदलाव जो चीज है ना उसमें बदलाव लाना चाहते हैं भाई, डोर टू डोर कंपेन करेंगे, पहले दलालों काम थो, आख मैं ठेकेदार है, भाई ठेकेदार है, भाई ठेकेदार है, कोई काम करवाना सुन का कुर्तो है, आपको पल्लू पकड़ के जाओ, जब ये जाएगा और भाई गाड़ी लेके जाएगा, होटल में खाना खाएगा, और फिर पछे उनको मारेगा लात, और फिर बताओ क्या करोगे जमींदार आदमी, बताओ निठा तो एक किला में तो मुश्किल से तो 20 मिनट शीर्ष वर्ष है, ठीक है, जाडो मार जाए पाड़ू मार जाए। कई बार वोट डाल लिया आपने और कईयों का जिता दिया, कईयों का हराया है, अब की बार किन मुद्दों को साथ रखे, किसके साथ खड़े? सच्चाई के साथ। अच्छा सच्चाई के साथ क्यों? सच्चाई के साथ क्यों? सही तो पहले सच्चाई नहीं थी क्या? नहीं थी पहले। तो इतने साल क्यों वोट दिए? वो दे दिया, वो हमारी गलती थी, तो ये गलती आपकी बार जीत के साथ। जगह नहीं थी वोट गिरने, ये गलती अरब के जगह है, रास है, और ये साहब की जीत नहीं होगी, हमारी जीत होगी। बाबा साहब राज जातिवाद फिर हावी होगा, नहीं होने, और जातिवाद के ऊपर ही हर वोट हर कैंडिडेट जीतता है, क्या कहेंगे? नहीं होने, पिछली बार फैक्टर चला था ये, कोई बात ना, दिखाई चाली चाली आपका नहीं चला, ऐसा क्यों? अब की बार बिल्कुल फैक्टर नहीं चलेगा जी, जातिपात को, क्योंकि जातिपात ना समझाए, हम ये सोचा अपन भाईचारों से। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग और बने हुए हैं, बाबा कब इधर से आगे आगे बैठे हो आप?
बाबू जी मैं तुम बैठो सू ये घना पाल पाल के छोड़ जाए साहब ने पाल दिया अगर बाढ़ देख ला नहीं तो गां घटाल कर देगा अच्छा काम करेगा आपके साथ क्यों लगे हो आपकी उम्र काफी हो चुकी पजोक देख लिया सारा जना ये भी गाय 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 तूड़ो गन का जोरदाना गाना गया तूड़ो हमने देगा तो ये तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ और बने हैं साहब क्या कहेंगे साहब बिल्कुल ठीक है काफी उनको देख के वोट देख लिया अब की बार इसको देख के देख लेते हैं जो आगे जो से होगा वो ठीक है क्यों जी सर संदीप साहब एक ईमानदार साहब मतलब आदमी है और जो पीछे वाले अच्छा काम करा नहीं संदीप साहब हर बार को रोजगार लगाएगा उनने कोई बाढ़ को रोजगार नहीं लगाया और हर बात पर झूठ बोल ली और संदीप साहब सताई का साथ है चुनाव नजदीक आएगा तो सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं संदीप साहब का सताई का वोट गिरेंगे और अब के संदीप साहब जीतेगा पिछली बार भी जीतना था बन लोगों को उनने कुछ लोगों को मतलब भ्रमित कर दिया नहीं तो उसी टाइम भी जीतना था संदीप साहब और अब के पक्का संदीप साहब जीतेंगे तो ये लोग मेरे साथ बने हुए हैं सर क्या कहेंगे सर आप भी काफी देर से बैठे हैं काफी सुना है आप भी सुना दीजिए सर अब की बार संदीप साहब को वोट देंगे हमने 45 साल वोट देकर देख लिया कोई प्रोग्रेस नहीं आया मानगढ़ में रोड भी टूटे पड़े रहे 15 साल से हम तो रोड अपन लोग कूद गए हैं गाड़ियाँ कंडेम होगी क्योंकि ससाई का वोट देंगे और संदीप साहब का देंगे तो ये हमारा भाई और संदीप साहब को देंगे तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं और बहुत मास्टर जी से बात मास्टर जी सर क्या कहेंगे आप बुद्धिजीवी हैं शिक्षक हम यही कहेंगे जी काफी समय हो लिया हमारे इधर दो विधायक जीतते रहे हैं एक 5 बार एक 4 बार लेकिन उन्होंने विकास कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया और संदीप हरिडियम सिंह हैं इनको हम पहले प्रशासनिक अधिकारी थे तब से जानते हैं इनमें टाल मटोल की भावना है नहीं और तय दिल से जनता का काम करने को तैयार हैं ईमानदार हैं इस वजह से और कर्तव्यनिष्ठ है इस वजह से हमने अब की बार मन बना लिया है चुन लिया कि इन्हें बिल्कुल जी की इनकी जीत निश्चित है तो हमारे साथ ये तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे सर काफ़ी देर से बैठे हैं कीमती समय निकाला आपका और इतनी धुंध में इतनी ठंड में पारा माइनस में और यहाँ खेतों में और ज़्यादा ठंड है क्यों बैठे हो क्या वजह है किस लिए वजह आपकी बार ईमानदार नेता है संदीप सिंह और ये अपने बनने से पहले सभी ईमानदार होते हैं सर नहीं ऐसा कुछ नहीं है इनका शुरू से नेचर ऐसा है जब ये सर्विस करते थे तब भी बहुत ईमानदारी से काम किया और अब तो और भी डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाएंगे जिनको पहले मौका ऑलरेडी मिल चुका है उन लोगों ने कुछ किया नहीं अब उनकी तस्वीर सामने आ गई और ये ईमानदारी से अपना अच्छा काम कर रहे हैं अब की बार इनका पार होगा ये छोटे छोटे बच्चे हैं पहले आपसे जानते कौन से पढ़ते हो आप मैंने बीएससी किया बीएससी और आपने बेटा मैंने 10th अच्छा संदीप जी का प्रोग्राम सुना आपने देखा तो आप समझदार हैं पढ़े लिखे हो क्यों साथ लगे हो क्यों सुन रहे हो उनका खड़े खड़े पहले तो ये है कि मैंने है ना मैं अभी कोचिंग कर रही हूँ उस हिसाब से मैंने देखा है कि जो पहले सरकार थी ना उसने कोई भर्ती कंप्लीट नहीं करवाई अभी तक जैसे इस चुनाव सर पर आए ना तो ऐसे लग रहा है जैसे चलो भाई सबको ऐसे करना है ये है वो है अपनी 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 लग रही है बस उनको ये नहीं देख रहे बच्चों का कितना साल से करियर कैसे चल रहा है क्या नहीं है कुछ मतलब उनने बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया तो महेंद्रगढ़ के बारे में और बता दीजिए महेंद्रगढ़ अभी मतलब हम चाहते हैं कि बदलाव हो अच्छा ये बदलाव चाहते क्यों क्या क्यों क्या क्या दुख हो गया आपको हर एक चीज में पीछे है अभी भी जो रिपोर्ट आई है उसमें महेंद्रगढ़ का स्थान 78 है बाप रे बाप पूरा खाका निकाल रखे आप पूरा डाटा निकाल के हाँ मैं तैयारी कर रही हूँ तो संदीप क्यों 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 साथ लगे हो क्यों चाहते हो संदीप आए सब कुछ आजमा लिया तो अब की बार ये और चलो बात तो सही है गुड़िया की क्यों जी सही बात क्यों साथ ले हो संदीप के ना लेंगे इब की बार संदीप ने और देख लेंगे हैं जो ईसा ईसा मान ले बालक थार वे रोजगार नहीं लग गया और बैठगा घरी जन कमा बापन किम बेरो कोन्या पढ़े लिखे बालक घरी बैठे सीधे कमा बापन नु जा सक भाई मान ले
बेरोजगार है जी हाँ, इसलिए संदीप का साथ सच्चाई का साथ दे रहे हम। अब की बार इनको और देख लेते हैं, हरमेंद्रगढ़ का बदलाव होना चाहिए। बार संदीप को पक्का साथ दे रहा सा, फिर संदीप ने देख लिया। सुनाओ खेन बहुत घना हुआ डिग भी जा कदे कदे ना इसका सच्चाई का साथ देखांगा जी, उन्हें देख के धाप लिया अच्छी तरह सीखूं ठीक से ना। हाँ जी संदीप के साथ आप काफी देर से सुन रहे हो, इतनी ठंड में अपना काम छोड़ के क्यों? आदमी जो ईमानदार होगा तो ईमानदार बनने से पहले सभी ईमानदार होते हैं। नहीं नहीं बनने से पहले को नहीं, हमारे लिए हमें ईमानदारी है, सन 2002 से ही ईमानदार है। आज कास्टिज्म नहीं चलेगा आपकी? नहीं नहीं कोशिश, पिछली बार तो कुछ नहीं नहीं पिछली बढ़िया भी हाँ पिछली बढ़िया चल गया ना तो इन्हीं बिरादरी ने मारा इसको। हाँ इनकी बिरादरी ने मारा, महाजन थोड़ी मारा है। हम तो आज भी साथ हैं, गैल भी साथ थे। भरोसा है? भरोसा पूरा भरोसा है। चलो थैंक यू। इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, निष्काम सेवा करते हैं, क्या बात है। इसलिए साथ, इसलिए साथ है। अभी सर्दी में अभी क्या चाय के साथ पकोड़े ले रहे हैं? हाँ जी हाँ जी पकोड़े ले रहे हैं। तो आज पकोड़ों का आयोजन भी ऐसा करांत में? हाँ जी हाँ जी तो के हाँ तो संदीप जी यहाँ पहुँचे हैं इतनी ठंड में, आप भी उनके भाषण सुना तो कुछ लग रहा है संदीप जी कुछ कर पाएंगे या फिर हवा में ही? और नेता सब कुछ कर पाएंगे जी, बहुत करेंगे और करने के लिए लिकड़ रहे हैं। और हमारे गांव में बहुत बड़ा उत्साह है और इनको पूरी सपोर्ट मिलेगी। अच्छा ये संदीप ने क्या घोल के पिला दिया ऐसा? अभी बनने से पहले तो वादे सब करते हैं नेता, बाकी हरियाणा में कर रहे हैं। घोल के कुछ नहीं पिलाया है सर, हम सच्चाई के साथ हैं, ईमानदार आदमी के साथ हैं। हमने वो नेता सच्चे नहीं थे? वो सच्चे नहीं थे जी, उन्होंने तो लूट लूट के खाया है। 40 साल क्यों फिर वोट दिया आप लोगों? वोट दिया हमारे को, गुमराह करते थे बातों में, गुमराह करते थे, ये करेंगे अब की बार, वो करेंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो ले आएंगे, वो देंगे, बस ऐसे गुमराह करते करते हमने अभी उनका पता चल गया, हमारे गाँव के रूख सुखा दिए उन लोगों ने, झूठ बोल बोल के। मैं पिपल के नीचे खड़ा होके बोल रहा हूँ, मैं बड़ के नीचे खड़ा होके बोल रहा हूँ, उन्होंने हमारे गांव के रूख सुखा दिए झूठ बोल बोल के। और अभी जनता ने समझ लिया, अभी वो जनता पागल थी वो नहीं रही है, अभी वो जनता नहीं रही है। अभी चलते चलते कैमरा बोल के जाइए, अब की बार संदीप सरकार, अब की बार संदीप साहब 1 लाख पार रहेंगे जी, अब की बार 1 लाख पार। चलो थैंक यू। तो हमारे साथ यहाँ के लोग बने होते खास बातचीत में, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं सभी बातों के साथ? मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी मंचू लंबा के साथ, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।